नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इतना नीचे मटके किसने मारा? त्योहार की मजाक है। अबे तेरी तो वो देख अपना हीरो उधर है। हाँ हाँ ये मैंने कोई तकलीफ है क्या? क्या रे हॉलीवुड के चिक ने क्या बोला तू? हैं क्या हीरो? इतना नीचे कोई मटकी बांधता है क्या? ए, नाम हीरो है, हीरो बनने का कोई शौक नहीं अपन को क्या? जितनी अपनी औकात है ना अपन मटकी उतने पे ही बांधते हैं क्या? और तेरी औकात अपन से बहुत कम है। चल निकल, चाय लेके अपने ले चल। ये मटकी कौन इतनी ऊपर खींचा? अमिताभ आ रहा है क्या बोलने में मटकी तोड़ने को? मालूम नहीं तुम लोग ये मुकरियों की बस्ती है, समझते नहीं यार तुम लोग। अगर मैं मटकी नहीं तोड़ पाया तो रानी क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे रानी तू हीरो
पहले ये मटकी तोड़ के दिखा, फिर शायद मैं तेरे बारे में सोचूंगी। अच्छा ये बात है। तो रानी देख, तेरा ये हीरो ये मटकी कैसे एक फटकी में तोड़ता है। चांदी की डाल पर सोने का मोर टाक 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 करे नीचे का चोटा। चांदी की डाल पर सोने का मोर टाक 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 करे नीचे का चोर। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। समझाऊं कैसे ये दिल है दीवाना, बस में नहीं दिल का ये आना जाना। होती है जालिम ये दिल की लगी, होती है जालिम। चांदी की डाल पर सोने का मोर टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर टाक टाक टाक।
दादी। हाँ माँ, कहाँ जा रही बेटी? जी मैं हीरो से मिलने जा रही हूँ। तू सिर्फ नाम का हीरो है, असल में तो बिल्कुल जीरो है। किसने कहा था उत्ता ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ने के लिए? 6 फुट की हाइट पे मटकी मैंने रखवाई, 60 फुट की हाइट पे मटकी तूने क्यों रखवाई? दे दे दे, चल। झूठ मत बोल, हिलाल दे इतनी। अच्छा हीरो सुन, तुझे याद है ना कल मेरा इंटरव्यू है? मुझे याद है, लेकिन मुझे एक बात बता तू। तेरी माँ तो तुझसे इंटरव्यू और काम वाम करवाती रहेगी या कोई अच्छा लड़का देके तेरी शादी वादी भी करवाएगी? शादी? शादी तो मैं करूंगी, लेकिन अपनी पसंद के लड़के के साथ। लेकिन तेरी पसंद का लड़का है कैसा? मेरी पसंद का लड़का शहजादा होगा। वो लंबा होगा, उसका सीना चौड़ा होगा और उसके पास एक शानदार गाड़ी होगी। बस अगर मुझे ऐसा लड़का मिल गया तो मैं उससे फौरन शादी कर लूंगी। रानी? Yes? Tension not. रानी बहुत देर हो गई बेटी। आई माँ। हीरो अब तू जाके सो जा और कल सुबह मिलेंगे जल्दी इंटरव्यू। बाय। सोऊंगा नहीं तो तेरे बारे में सपने कैसे देखूंगा? मेरे सपनों का उत्तर किधर है? इधर। आपका शक सही था, ये देखिए।
वेल डन विशाल, वेल डन। हमें फक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे अफसर हैं। थैंक यू सर। इस शहर में तो लगभग बड़े पैमाने पर होने वाला ड्रग का बाजार खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारा ट्रांसफर मुंबई किया जा रहा है। यह रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, टेक इट। और हां, एक बात का ख्याल रहे, जहां तुम जा रहे हो वहां काम करने का तरीका यहां से बिल्कुल अलग है। एंड यू रिमेंबर दैट। ठीक कहा है उन्होंने, हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, एब्सोल्यूटली डिफरेंट। वो मैं देख रहा हूं। सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। ऑफिसर विशाल यहां आइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। टेल मी। शर्माइए मत, कहिए, प्लीज टेल मी। सर मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं इस सिचुएशन से घबरा रहा हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी ड्यूटी पे लगा रहा हूं जो खुद एक गुंडा था। यू अंडरस्टैंड, अ वेरी बैड मैन। लेकिन मैंने उसे बुरे कामों से निकालकर एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकारी नौकरी दी। और नतीजा, वो आज एक अच्छा इंसान है, उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। लेकिन अफसोस, मैं उसे अच्छा नागरिक नहीं बना पाया। Here we go. Hold on, hold on, sir. Thanks, sir. हवलदार हटेला, ये है ऑफिसर विशाल, ये हवलदार हटेला। नाइस टू मीट यू। आज के बाद तुम इनके साथ ड्यूटी पर रहोगे, अंडरस्टैंड। और अब तुम्हारे लिए जो केस मैंने तैयार रखा है, वैसे तो वो अधूरा है, लेकिन अब उसे तुम पूरा करोगे। केस जरा पेचीदा है। पिछले हफ्ते एक आदमी कुरियर कंपनी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो हमारे एनकाउंटर में मारा गया। कुछ देर आप और यहाँ ठहरोगे ना, इनके एनकाउंटर में मारे जाओगे। सॉरी, आप अच्छे अच्छों को हला डालते हैं। नाक के बाल जला डालते हैं। यू मे गो नाउ, तुम मेरी तारीफ बार भी कर सकते हो अटल। प्लीज। ऑफिसर, ये बात करो सर, समझाए क्या, कट मार के जाता है। जाने देना हीरो, कोई गुंडा मंगा नहीं होगा। अबे हल्का कट मारता तू मेरे को। हीरो रुक, तू रुक ना। अरे क्या, तू पेजर पकड़, पेजर पकड़ तू मेरा। मेरे बॉस का पेजर आया। अबे तेरे बॉस की ऐसी की तैसी। मेरे बॉस मार कुछ नहीं बोलेगा। गेंडे, अबे पहले गुंडा बोला फिर मावली बोला, गेंडा बोलता तेरी तो क्या। गुड शॉट सर, बॉल बिल्कुल निशाने पे जा रहा है।
आपकी तारीफ? इनकी तारीफ, इनकी तारीफ तो ये है कि ये बिना वारंट के किधर भी घुस जाते हैं। विशाल, इंस्पेक्टर विशाल। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खन्ना, मैं उस केस की छानबीन करने आया हूँ जिस केस में तुम्हारा एक मुलाजिम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वेरी सैड, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो आदमी हमारी कंपनी की यार्ड में ड्रग सप्लाई कर रहा था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। खन्ना, वो मरा नहीं, वो जिंदा है और इस वक्त आईसीयू में है। हमने ये गलत अफवाह फैलाई थी इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए। सर, वो तो मर चुका है। आपका आदमी सही कह रहा है, वो मर चुका है, लेकिन आपके चेहरे पे घबराहट देख के ये पता चलता है कि इस बात की जड़ यहीं से शुरू होती है। मिस्टर विशाल, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आप मेरे को तब तक मुजरिम साबित नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत या जिंदा गवाह मौजूद ना हो। खन्ना, तेरे पास वक्त बहुत कम है और जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ सबूत मिल जाएगा ना, उस दिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अपने बॉस को हाथ नहीं लगाने का क्या? अपने बॉस को भी हाथ नहीं लगाने का क्या? चल हट पीछे, हट दो कदम। तू कौन है बे? मेरा नाम हीरो है और मैं अपने बॉस का वफादार कुत्ता है। समझ गया? वफादार है ना, फिर तू भी अंदर जाएगा। हाँ जाएगा, जाएंगे, अंदर जाएंगे। पहले तुम लोग 11 नंबर की बस पकड़ो और यहाँ से निकलो। चलो, ये बॉडी अपनी औकात मेरे ज्यादा भोंक मत। तू करेगा क्या? अरे मैं जो करूंगा बाद में करूंगा, अभी करने वाले साहब यहाँ खड़े ले। अरे तुम्हारे साहब को इतना भी नहीं मालूम यहाँ पूछताछ के लिए आए? कोई पर्ची, कोई वारंट क्या? अरे अपन को भी कानून मालूम, अपन ने भी बहुत पिक्चर देख लिए। ये सरकारी पार्क नहीं, ये प्राइवेट क्लब है। जो साहब लोग बात कर रहे ना, तो कुछ बोलने का नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, चुप। खन्ना, तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे और तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सरकार, सरकार मुझे बहुत डर लग रहा है सरकार, सरकार मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वाह हीरो, तुम तो कमाल के निकले। सर आपके साथ कोई खोटी बात कर रहे हैं सर, अपने को हजम नहीं होगा। तभी तो मैं सबसे कहता हूँ कि अगर मेरा कोई ईमानदार और वफादार वर्कर है तो वो तुम हो। थैंक यू सर। सर आपने मुझे एक पेजर किया था? हाँ, वो मेरे ऑफिस के टेबल पे एक पार्सल पड़ा है जी, उसकी डिलीवरी इस पते पे करनी है। जी सर। और हाँ, वहां से कोई रसीद नहीं लेना क्योंकि इसकी एंट्री मैंने रजिस्टर में कर दी है। सर आप मेरे अन्नदाता हो सर, मैं आपको कैसे? अब ज्यादा फिल्मी मत बनो और जाओ। थैंक यू सर। ओके। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि इंस्पेक्टर शहर में नया आया है? हाँ सर, मैं बताना भूल गया था। ठीक से बात कर, तेरा सीनियर ऑफिसर हूँ मैं। ये सीनियर जूनियर चौकी में क्या हेरोड पे सीनियर जूनियर ने समझा क्या? हम यहाँ भिखारी की एक्टिंग करने हैं तो भिखारी बनो। आप भिखारी हैं, आप फकीर हैं, आप भीख मांगे हैं, आप लुखे हैं। कैरेक्टर में आओ, एक्टिंग करो, कैरेक्टर में आओ, समझे? अरे नहीं होता मेरे से यार, तेरे से होता है तो दिखता भी खानदानी भिखारी है साला। ओ साहब, खानदान बने जा रहा, पहले बोलता हूँ बाहर में गए नौकरी, पट्टी वट्टी निकाल के चले जाऊंगा यहाँ से। अरे वो आ गया। चोर लगता है, चुराया होगा किसी का। चल जाना। अरे साहब, अरे अरे बंदा क्या? पंगा मत लो, लोगों को शक होगा। भिखारी के कैरेक्टर में आओ, जाओ। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, अगर हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में गाओ। गिव द नेम ऑफ अल्लाह बाबा, गिव द नेम ऑफ मौला। ये
आपके लिए गिफ्ट आई है। किसने भेजा है? अरे वही छोकरे ने भेजा है। खोल इसको। मैं नहीं खोलता, इसमें कुछ फटेगा बटेगा तो। अबे खोल इसको। ये तो अपने बड़े साहब के माफी कर रहे ला बाबा। का है वो? का है वो? कौन? क्या नाच रहा था, अगर ये हम लोग के मोहल्ले में नाचे ना, कसम खुदा की फर्स्ट प्राइज तो ले डाले। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू। यस, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बात है? यस। अच्छा बता क्या बात है? आज मुझे बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई। हाय हाय, इसका मतलब मेरी और मेरी पुकपुकी की जान बच गई तेरे इंटरव्यू से। लेकिन माँ कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे पार्टी चाहिए, पिकनिक पार्टी। Oh, that's disgusting, man. Chill out, be cool. Say, excuse me. ये जिंदगी में कभी डकार नहीं मारा क्या? हाँ? ये जबरो अपने इस बटले को समझा, ये तो एक कान के नीचे मारूंगा, जिंदगी भर घूमते रहेगा। Hey, what will you do, man? What will you do, man? हाँ? क्या बोला ये? तुम क्या कर लोगे? हीरो, क्या कर रहा है हीरो? तू इनकी फिक्र छोड़, ये सब बिगड़ी हुई बापों की अमीर औलाद है, मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? हाँ, जिस साथ मैंने काम कर फिर शादी कर ले। शादी तो मैं करूंगी। हाँ। अच्छा, लेकिन मुझे उसका इंतजार है। उसका? उसका किसका? वो जो रोज मेरे सपनों में आता है। हैं? मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है तुझको पता। ये हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, मेरे सपनों का वो राजा।
सावन की घटा, हटा सावन की घटा। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। सपनों में जो आता है वही दिल भर हूँ मैं जाना, वो तेरे सपनों में जो आता है वही दिल भर हूँ मैं जाना। जी, क्या आप इस बस्ती में खोली ढूंढने को आए? चुप। वो कुरियर कंपनी वाला हीरो इसी बस्ती में रहता है। मैं उसकी छानबीन करने आया हूँ। और सुन, तू उस तरह पूछताछ कर, और किसी पे भी शक हो ना, उसकी अच्छी तरह तलाशी लेना, समझा? चल जा। क्या आदमी है यार। साहब सुबह आके लेके गया ना। कौन? करना भाई, नहीं बहुत महंगा है। ए, हा? ये हड्डियों का ढांचा कौन है? ये हड्डियों का ढांचा नहीं, इस बस्ती के चाचा हैं। पिछले 200 साल से इसी बस्ती में रहते हैं। अच्छा, हे बड़ाओ। कौन बोल रहा है भाई? फोन फोन नहीं किया, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इन हड्डियों के ढांचों के बीच में क्या छुपा के रखा है बेटा? इसमें खाने पीने की चीज है। खाने पीने की चीज? ऐसा लगता है 9 साल के उपवास के बाद में आज खाने की सूझी है। नहीं बेटा, इसमें मेरे घर का सामान है। घर का सामान है या गर्द का सामान है? गर्दुल्ले? नहीं नहीं, नहीं दिखा जरा, बता। नहीं बेटा, चल नहीं, बेटा, गलत बात है बेटा। अरे रुक जा। ए केकड़े, तू कराटे तो मराठे हूँ। तो पहले क्यों नहीं बोला आटा है? पूरा सौदा घाटे का हो गया है। जाओ आराम से जाओ, खाने पीने खाओ, जाओ जाओ जाओ, संभाल के जाने का, संभाल के जाने का। बुढ़ा है करके छोड़ दिया, कोई जवान होता ना पटक डालता यहीं पे। समझता क्या मेरे को? अभी आना। आ, 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 आ,
अलावा पर काम होगा तो बोल देना, इस बस्ती में अजीब अजीब लोग रहते हैं। ए, ये क्या नया नाटक हो रहा है? हम तुम्हारे डुगडुगी की तलाशी ले रहे हैं। अबे चमचे, अपने साहब को समझा कि बिना सर्च वारंट की कोई तलाशी नहीं ली जाती। ए, ज्यादा इतरा मत, आज तो नहीं बचेगा। अरे साहब, ये हीरो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जो अपनी नजरों में और अपनी बस्ती की नजरों में जीरो बन जाए। ये बस्ती वालों की नजर में ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, साहब एक फटके में हीरो से जीरो बना देंगे। ऐसी बात है क्या? साहब जी, अनऑफिशियल एक्शन का टाइम आ गया, फोड़ डालो इसको। मेरे शेर, मेरे बच्चे, छू मेरे मतलब चाहिए। मैंने तुम्हें फाइटिंग के लिए भेजा था, शॉपिंग के लिए नहीं। जाओ उधर, छोड़ना नहीं उसको। मैंने तुम्हें समझा था बादाम, निकले मूंगफली, अब बोल ये बजरंग बली और तोड़ उस कपोरी की नली। जा जल्दी तोड़। चील का उड़ना कम, चिल्लाना ज्यादा। बगैर वारंट के पंगा मत ले। मैंने भेजा था शेर, बन गया बटेर। अभी इस मोहल्ले में जवान तो जवान, बूढ़े भी खतरनाक है। चलो निकलते हैं। पंगी, पंगी। मेरे को हीरो से जीरो बनाएगा। हीरो, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि तुम उस लड़की के साथ बहुत प्रेम करते हो। यू आर राइट सर। और उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हो। राइट सर। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, उसे पाने के लिए तुम्हें दिन सर, सर 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 मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि रानी का जो सपना है ना, वो मुझे हासिल करना है। वेरी गुड। मैं तुम्हें कल से ही एक्स्ट्रा डिलीवरी भी लगा देता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। सर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? That's the spirit. मुख्तार, वो जो पार्सल गोडाउन में पड़ा है ना, वो हीरो को दे दो और बता दो कि कहां पे डिलीवरी करनी है। जाओ। थैंक यू सर। हीरो जी, अगर तुम ऐसे ही लगन और मेहनत के साथ काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम रानी की हर उम्मीद पूरी कर सकोगे और बस्ती के हीरो से तुम रानी के वो राजकुमार बन जाओगे जिसका उसे इंतजार है। मोटरसाइकिल तेरी यार। हो गया। प्याओ, प्याओ। सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया
पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे। ओ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, सारा सामान लेकर पीछे के रास्ते से निकल जा और मेरे फोन का इंतजार करना। राइट सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? हीरो को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और सर अगर वो पुलिस के पास पहुंच गया तो? वो खुद घबराया हुआ है, बेवकूफ हमें सावधान करने के लिए यहां आ रहा है। जल्दी है क्या? सॉरी अंकल। अंकल, तेरा अंकल दिखता हूँ क्या? हाँ। चल निकल यहाँ से। थैंक यू अंकल। जल्दी। क्यों हंस रहा है बे? अंदर कर इसको। अंदर कर। बचक। चल। सर वो गाड़ी
हाँ एक मिनट सर, इट्स वेरी अर्जेंट, हाईवे से भी गुजरेंगे। एक मिनट, thank you.
Don't worry. Your officer is safe. The operation is successful. Congratulations. Thank you. Thank you, doctor. Sir! Sir! Hatela! Oh, Gigi. Please! But I'm happy. I'm happy. कैसे हुई यहां तक आने की? हटेला हटेला! अबे चुप हटेला, मैं तुझसे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, और तेरी चाल थी मुझे वहां तक ले जाने की। आज मैं तेरी वजह से इस हालात में हूं। हालात? अबे दूंगा तेरे को एक लात। तुझे नहीं मालूम आज मैं तेरी वजह से किस हालात में हूं? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तेरी वजह से मौत के मुंह तक पहुंचा हूं। अबे तू मेरी वजह से मौत के मुंह से निकला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक 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 रुक। अरे साहब जी, डॉक्टर ने बोला आपको आराम करने के लिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है क्या? तेरे को क्या सोने के लिए बोला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पन क्या है? हीरो आया था। हीरो आया था? कौन? संजय दत्त, सुनील शेट्टी, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल स्टूडियो नहीं, यहाँ सिर्फ मरीज आते हैं, वो भी आप जैसे मरीज। जाके आराम करो, मेरे को भी आराम करने दो। हीरो आया था? शराब, वो बस्ती का हीरो आया था। अरे, और उसने मुझे मारने की धमकी दी है। एक्चुअली क्या हो गया था मालूम है? मैं सो रहा था, बैठा हुआ था, मगर तो वैसा की लेके बाहर आया साहब जी, मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना मैं जानता था ये होने वाला है। वो तो आ गया था। अरे मैं जानता। अरे देखो, अरे शांति रखो तुम। विशाल विशाल रिलैक्स, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विशाल आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं? आखिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अरे विशाल दिख रहा, जरा शांति रखो, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। ए दरवाजा खोलो, कम ऑन। ये बाजू संभाल के, धीरे से, केयरफुली, स्लोली।
इधर लाया गया था ना, उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत गंभीर थी। वो गोली तुम्हारे दिल के अंदर छुप गई थी। तुमको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। अभी लकीली उस वक्त ये लावारिस बॉडी यहाँ तक आ पहुँची थी। तो डॉक्टरों ने ये नतीजा किया कि तुमको बचाने का एक ही रास्ता है, उसका दिल तुमको दे देने का। इसलिए हमने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और तुम यहाँ खड़े हो। हेलो ब्रदर, चला गया। मैडम जी, क्या बात है? कौन हो तुम और इस कमरे के पास क्या कर रही हो? यहाँ मेरा दोस्त हीरो रहता है। क्यों? हीरो के बारे में क्या जानती हो? लेकिन आप मुझसे इस तरह से क्यों सवाल कर रहे हैं? हवलदार साहब, ये मेरी बेटी है, ये 2-3 दिन के लिए बाहर गई थी, इसे तो किसी भी बात की जानकारी नहीं है। चल बेटी, चल घर, चल 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 बेटी चल। क्या हुआ माँ? बेटी, तुमने कुछ बताया तो नहीं उन लोगों को? नहीं माँ, लेकिन वो हीरो के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे थे? वो ठीक तो है? रानी, कैसे बताऊं? रानी, हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? पूरी बात तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन सुना है कि वो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ था। माँ, मैं हीरो को अच्छी तरह जानती थी, वो कभी कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता था। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटी, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर भी आप लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं बेटी, हीरो की लाश अभी तक पुलिस कस्टडी में है, हम लोग इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते बेटा। कम से कम मैंने आपसे ही उम्मीद नहीं की थी। कहाँ जा रही है बेटी? अस्पताल। बेटी समझने की कोशिश कर, ये पुलिस केस है। माँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, हीरो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अगर मैंने उसका क्रियाकर्म सही तरीके से नहीं करवाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत बुरा सपना था। हेलो ब्रदर, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। लेकिन तू तो मर चुका था ना? हाँ, सारी दुनिया के लिए, लेकिन तेरे लिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन क्यों? क्यों? मेरी दर्द भरी कहानी सुनना चाहता है तो सुन। उस दिन तुझसे ब्रिज पे बचने के बाद मैं सीधा अपने गुड बॉस के पास गया, जो कि निकला बैड बॉस। और फिर बॉस, बॉस
सब इंस्पेक्टर बिल्कुल सही कर रहा था, हमारी कुरियर कंपनी के आड़ में कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। अच्छा तो तू मेरी पुंगी बजाएगा? बॉस अगर मुझे मालूम होता कि ये आपका झोल झाल है, सो यू थिंक आई वुड आई कुड पुंगी? नो, आई स्वेयर ऑन योर झोल झाल मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई गो। सर पुलिस। बॉस ये किसकी पुंगी टाइट होने की आवाज है? तेरे। हाउ सैड ऑफ मी। सर वो इंस्पेक्टर इसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। बॉस बॉस इस इंस्पेक्टर को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। या तो फिर ये उसे अपने साथ लाया होगा। शट अप। हीरो तुम पैदाइशी बेवकूफ हो और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब मारे जा सकते हैं। नो बॉस। इसीलिए व्हाट अ बैड शॉट। 1 2 चचचा 3 3 3 चचचा 4 4 चचचा 5 5 चचचा 6 6 छह गोली खत्म। फिनिश। अब मैं तेरी बेवकूफ पुंगी तो तू अपनी बजा रहा है। वो कैसे? रिवॉल्वर में होती हैं 6 गोलियां, पिस्टल में होती हैं 9। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, आई डिडंट नो, सॉरी सॉरी सर। कहां मारोगे? तुम्हारे पेट में। सर अभी खाना खा के आया हूँ। अब गोली खा। सर भूख मर गई। अब तू मर जा। मुझे उसको टपकाना है क्योंकि जब तक मैं उसको टपका नहीं देता ना मेरी आत्मा टप्पे खाती रहेगी और मुझे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन बोल इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? देख एक तू ही है जो मुझे सुन सकता है, देख सकता है और महसूस कर सकता है। मैं ही क्यों? इस पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ मैं ही मिला। ओए जो दिल तेरे सीने में धड़क रहा है ना वो मेरा दिल है, तेरी जिंदगी मेरी कर्जदार है। अगर मैं तेरा साथ नहीं दूं तो? मैं तेरे नाक में दम कर दूंगा। मुझे माफ कर बाबा, मुझे माफ कर, तू जा रहा यहाँ से प्लीज, तू जा रहा यहाँ से, माफ कर। वो देखो क्या है। देखो देखो अकेला बात कर रहा है। देखो इसके दिमाग में बैठ गया है कि हीरो था ना बस्ती का, वो यहाँ आता है। आ जाए ना, वो बस्ती वाले हीरो है ना, उसको वहां के बस्ती वाले जला रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनको ले जाऊं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाई वो जिंदा नहीं है, मर गया है, ताकि मेरी जान छूट जाए ना। आप डॉक्टर ही साहब जी, अभी तसल्ली हो गई कि नहीं? हीरो अभी दुनिया से कम हो गया है, जल के राख हो गया है, देख लो। समझ में आया? क्या मालूम क्या हो गया उनको।
अजीब मनहूस आदमी, मैयत पे आया है किसी की, हंस रहा है। हेलो बेटा, ओ अनकिता, हेलो बेटा, डबल मनहूस निकला। मरने की हालत में तू खुद है, मुझे कोस रहा है। अरे बुड्ढे मेरे से बात नहीं करो। अरे मनहूस इन्हें बदतमीज भी है। जो भी मोहल्ले वाला निंजा चाचा है, दिखने में किड़का लगता है लेकिन ओ करता है, अजीब केकड़ा बन जाता है। अरे तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा यार। तेरे को कितनी बार समझा मैंने कि मैं सबके लिए मर चुका हूँ, सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। अरे भाई मुझे माफ कर यार, प्लीज माफ करो। वो अब ये करेगा माफ, कर ही समझता है, इसको करना ही पड़ेगा। अरे ये बुड्ढे को क्या हो गया यार? बुड्ढे को कुछ मैं बोल रहा हूँ इधर। अरे कौन? अरे वो यही था यार। अरे वो यहाँ था या नहीं था, मगर मेरे को क्यों मरवा रहे ले? निंजा चाचा अगर भड़क गया ना, लुंगी उठा लिया ना, लाशों के ढेर लग जाएंगे। उधर देख, उठा लिया, खेकड़ा तैयार हो गया। अब हवलदार की खैर नहीं है, चलो चलो भागो। चाचा चाचा निंजा मान जा। अरे साहब बीमार है, गोली दिल पे लगी है, असर दिमाग पे हो गए ले। अरे भाई मान जा मेरे भाई, आप भी मैयत में आए ले। मैयत भाई भी जल रहे वहां पे। अरे आपको एक दिन जाना है मेरे भाई, पैर नीचे कर ले निंजा, लुंगी नीचे, ये भी। केकड़े चल बिल में, व्हील वाला कहाँ है? विशाल मेरी राय मानो, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। वैसे डॉक्टरों का भी यही मानना है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। No sir, I would like to resume duty as fast as possible. Brave boy. Thank you sir. Hello brother. Yeah. Hmm? Yeah. Hi पदोड़े। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या बकवास कर रहा है? मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? बकवास मत कर। नहीं सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। एक कानून के हाथ कितने छोटे होते ना। तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सीनियर ऑफिसर के साथ इस तरह बात करता है? सॉरी सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अरे इससे समझाने की कोशिश मत कर, नहीं तो ये तुझे अस्पताल नहीं सीधा पागलखाने भेजेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप की जगह। देखो बेटे कानून को अपने हाथ में मत लेना, कानून को अपनी जिम्मे रख। अरे कानून अरे साहब अभी ये केस बंद हो चुका है, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ रहे ले जबरदस्ती। तू नहीं समझेगा यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। इस उम्र में भी क्या पैलेस में खड़ा ये केकड़ा, क्या बात है, क्या बात है। इसके आसन का टाइम है, अभी भूकंप भी आएगा ना तो ये हिलने वाला नहीं। अच्छा तो निकल, जब चलेगा ना तो इसका बाप भी हिलेगा। आ,
एक्सक्यूज मी जी, क्या आप यहीं रहती हैं? जी नहीं, मैं वहां रहती हूँ। यहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हीरो जी, आप उसे जानते थे? उस कमीने ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है जी। कमी है हमारे डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी की, कमी है। अच्छा, डिपार्टमेंट? आई एम विशाल फ्रॉम मुर्दा डिपार्टमेंट। अच्छा, मुर्दा? सॉरी, आई एम विशाल फ्रॉम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हीरो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। वो किसी के दिल को दुखा नहीं सकता था, किसी को परेशान नहीं कर सकता था। चल झूठी झूठी, ये सब झूठी बातें हैं। हमारे डिपार्टमेंट को सब झूठी इन्फॉर्मेशन है। आप जैसा कह रही हैं, हीरो वैसे ही होगा। काश यही बात सबके समझ में आ जाती। हीरो को करीब से सिर्फ मैंने ही जाना है। करीब से? जी, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त, फ्रेंड्स, हेल्दी रिलेशनशिप, बच गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको हीरो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। रानी? पानी? नो थैंक्स, नहीं, नो पानी। नहीं नहीं, मेरा नाम रानी। ओह, विशाल। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी, आपसे मिलके भी खुशी हुई। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा खुशी हुई। जी, मुझे भी खुशी हुई। नहीं नहीं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, रियली रियली। आप यहाँ कुछ काम के लिए आए थे ना? अगर आपकी चिपको चपाट गिरी खत्म हो गई हो तो चले, कुछ काम करे, चले। बहुत हो गया। फाइल्स मेरी टेबल पर रख देना, मैं चेक कर लूंगा। ओके, हेलो ब्रदर। अरे तू कहां कहां से टपक जाता है यार? अरे मैं आसमान से गिरा हूं और खजूर में लटका हूं। कड़वे, तू बस्ती गया तो मेरी इंक्वायरी करने? हाँ। अब तू मेरी हर बात मानेगा? हाँ मैं मानूंगा बाबा, तेरी हर बात मानूंगा। अरे जल्दी करो भाड़ो, अरे कौन जल्दी जा, अरे तेरी चल रे, मेरी भी भर्ती करे जल्दी, लो सबको चल जा बेटा, चल ए अकेला पड़ बैठ। अरे स्कूल में लफड़ा हो गया बांधा में। कौन से स्कूल में? दुर्बारू नाम का स्कूल है। अरे कड़वे, उस स्कूल में तो रानी पढ़ाती है। क्या? अरे भाई चलो ना। तो क्या पोजीशन है? गंभीर है, एब्सोल्युटली सीरियस। ये लोग है कौन और चाहते क्या है? ये तो मालूम नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि ये लोग चेक नाका तोड़कर भागे हैं। और हमारे अफसर से उनका बहुत पीछा किया, लंबी चेस हुई, फिर अपनी जान बचाने के लिए स्कूल में घुस गए जहाँ पे 30-40 मासूम बच्चे हैं, 3-4 टीचर्स हैं। कड़वे, तेरे को एक आसान तरीका बताऊं? क्या? इस पदोड़े का तोप फैना उस तरफ, घुमा स्कूल की तरफ, और इसको बोले एक लंबी छोड़ने को, सबके सब 2 सेकंड बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे बच्चे भी तो मर जाएंगे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सर, वी शुड टेक सम एक्शन। तो तुम्हें क्या लगता है, है? मैं यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ने आया हूँ? जी 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 नहीं सर, तुम जानते नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है, उनके पास राइफल्स है। वो तो हमारे पास भी है सर। अरे उनके पास सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक पिस्टल्स है। तो हमारे पास भी है ना सर। अरे उनके पास डेंजरस बम है। आपसे बड़ा बम किसी के पास है? हटेला, मैं कहाँ तक हटूँ सर? सर मैं अंदर जाना चाहता हूँ। नो नो विशाल, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता, क्योंकि तुम जानते नहीं, वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुमसे एक छोटी सी गलती भी हुई ना, तो उन सब मासूमों की जान जा सकती है। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ। नो, वो लोग खतरनाक ही नहीं, चालाक भी है। अरे उन लोगों ने स्कूल की हर खिड़की पर काले पर्दे डाल दिए ताकि हमें ये पता न चले अंदर क्या हो रहा है और पोजीशन क्या है। Come on.
उठाओ मेरी मौत का फायदा। तो जिंदा हूं, फाइन थैंक यू। उई 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 उई, क्या सोच रहे हो ब्रदर? सच बोलो, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा था और तू टपक गया। बड़ी लंबी उम्र है यार तेरी। लंबी उम्र मेरी? तूने मेरे को क्या बेवकूफ समझा क्या? इसमें समझने वाली क्या बात है? हाँ? अच्छा एक बात बता, तू यहां पे कर क्या रहा है? इंतजार। रोमांटिक नॉल, जब से मेरा दिल तेरे में आ गया तू सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अच्छा ये बता, किसका इंतजार कर रहा है? रानी का। रानी का? तू जैसा कमी ना मैंने कभी नहीं देखा। ए भूतनी के, अपनी मरी हुई जबान को लगाम दे। ओए रानी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे खड़ूस। दिल से निकाल दूं? हाँ। क्यों, तेरा क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि रानी मेरा प्यार है, मेरा। अरे तेरी जानकारी के लिए, सॉरी तू तो मर चुका है ना, तेरी मौतकारी के लिए एक बात बता दूं कि मुर्दे प्यार नहीं करते। ओए इतना इतना मत, ये जो तेरे दिल में रानी के लिए कुछ कुछ होता है ना, वो तेरा दिल नहीं है, मेरा दिल है, माय हार्ट। तेरा दिल है ना? हाँ तेरा दिल है ना। हाँ तो भी ठीक है, बात खत्म। खत्म क्या खत्म, खत्म क्या खत्म, हाउ इज इट ओवर? ये दिल मेरा है, ये बॉडी मेरी नहीं ना, ये बॉडी तेरी है। तो इस दिल को तो मैं संभालूंगा, इस बॉडी को कौन संभालेगा? क्या उठपटांग बातें कर रहा है यार, सीधे सीधे बोला तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देख, मैं रानी को बचपन से जानता हूं, रानी एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे डर है कि तू उसका नाजायज फायदा उठाएगा। तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू शादी से पहले तू उसके साथ कुछ नहीं करेगा, प्रॉमिस कर मुझे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं। सच? अरे हाँ यार, तू जा अभी प्लीज। ए ये फ्रॉड प्रॉमिस नहीं चलेगा, फ्रॉड जेन्युइनली कर मेरी तरह, जेन्युइनली। चलो हेलो ब्रदर, ऐसा कर फिर तू जाएगा। जाऊंगा। अब मैं जाऊं? हाँ यार जाना यार। कहाँ फंस गया मैं? रानी? नहीं नहीं विशाल, हम लोग कल मिलेंगे। विशाल आज टुमारो ना। अरे मेरी बात तो सुनो रानी। टुमारो विल मीट, हम लोग कल मिलते हैं। आज क्या खराबी है? आज नहीं, आज नहीं, आज तुम्हारी तबीयत कुछ मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं एकदम परफेक्ट है। कल मिलते हैं कल।
अरे नहीं नहीं परफेक्ट है, चलो कम ऑन। क्या? अरे क्या? कुछ नहीं। क्या? वो क्या? पुंगी, छोटा छोटा पुंगी। क्यों करता है ऐसे? विशाल, मेरे आने से पहले तुम कर क्या रहे थे? तुमने वो सब देखा? एक्चुअली मैं रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल? हाँ। किस बात की? रानी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं भी।
क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। हेलो ब्रदर। तू अच्छा, एक बात बता, मैं कैसा लग रहा हूँ? दुल्हा लग रहा है तू, दुल्हा। राइट, क्योंकि बहुत जल्द मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। किसका? रानी का। और देख, वो आज घर आ रही है और मैं उससे शादी की बात करने वाला हूँ। तू शादी की बात ऐसे करेगा? हाँ, क्यों? वेरी गुड, वेरी बैड, टोटल लॉस तेरा केस। क्यों? तू रानी के बारे में जानता क्या है? यही कि बहुत अच्छी लड़की है, सीधी सादी है और बहुत शर्मीली है। अरे बावले, वो शर्म नहीं, वो दूरी है, दूरी। मतलब? देख, वो एलसी है, तू एचसी है, तेरे को एचसी से एलसी में आना पड़ेगा। ये क्या है, एचसी एलसी है? क्या है? एलसी लो क्लास, एचसी हायर क्लास। तेरे को हाई क्लास से कंपार्टमेंट बदल के लो क्लास में आना पड़ेगा, नहीं तो शर्म बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी और शादी से पहले तलाक। मैं तो बड़ा खुश हूं। मत बोल यार, तू उसे बचपन से जानता है ना? हाँ। तो मुझे हेल्प करेगा? हाँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर पहले तू मेरे को पकड़। देख, तुझे हायर क्लास से लोअर क्लास माना पड़ेगा। हाँ। तुझे उससे एहसास दिलाना पड़ेगा कि तू पराया नहीं, तू अपना है। हाँ। अपना है तू, मुश्किल है लेकिन करेगा तू। हाँ, हाँ। हाँ। अपन एकदम मस्त लग रहे ना, एकदम एलसी। विशाल, तू भी एकदम झबरो लग रही है। झबरो? ज्यादा सोचने का नहीं, यहाँ तक आगे लिए ना, चल अंदर आ। और सुन, तू भी अकेली है, अपुन भी अकेला है, चल अंदर। विशाल, क्या है, तुम ठीक हो ना? एकदम फर्स्ट क्लास, अपना मूड एकदम रोमांचिक है। रोमांचिक? चल बैठ। अरे जा बैठ। अरे तेरे को बैठने के लिए बोला था, लेटने के लिए थोड़ी। अच्छा सुन, तू अपनी खोली में पहली बार आई है ना? सच बता, कैसा लगा? फर्स्ट क्लास है ना? अच्छा बोल, क्या लेगी, चाय लेगी, कॉफी लेगी या अपन? नहीं नहीं, चाय। चाय लेगी ना? तो फिर ठीक है, किचन सामने है, तो कप चाय बना, एक तेरे लिए, एक अपन के लिए, एकदम कड़क वाटक। चल चल, टाइम खोटी नहीं करने का, निकल निकल निकल। हाँ, यार बॉस, अपन तो एकदम फट हो गया, अपन से ओवर तो नहीं हुआ ना? ओवर ओवर? अरे तूने तो उसको टेक ओवर कर लिया है बिड़ू। अरे फट्टू, ये तेरे पे हो गई है लट्टू। अच्छा? अब सुन, 11 नंबर की बस पकड़, किचन की ओर जा और जाके उसे धर ले। 11 नंबर की बस? 11 नंबर की बस मतलब के टांगे, टांगे पे उठ, चल, एडजस्ट कर और जाके धर ले उसको। नहीं नहीं, धरने का रहे। अरे धरने का, धरने का, धरने का, धरने का नहीं, नहीं, नहीं। धरने का नहीं, धरने का नहीं। क्या स्टाइल है, जाके हक दे ब्लू। सॉरी यार, अपन तो तेरी मदद करने आया था यार। ये तुम्हें क्या हो गया विशाल? बाथरूम कहाँ है? संडास ना, तेरे को देख लूंगा मैं। हो गई तेरी शादी, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। साले कमीने, तूने मुझे गलत पाठ पढ़ाकर रानी की नजर में मेरा इंप्रेशन डाउन कर दिया। आज के बाद मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगा, समझा ना? नहीं नहीं। हेलो कड़वे, देख के बताओ क्या कर रही है अंदर? वो अपने आप को साफ कर रही होगी, और अगर कुछ और कर रही है तो
भूतनी रुक रुक भूतनी के देखिए बताओ क्या कर रही है। मैं कहता हूँ मारा मारा देख के बताओ मेरे भूत होने का फायदा उठा ले वरना तेरे को कभी देखने को मिलेगा। रुक रुक निकल रुक तेरे को नहीं देखने का तो मेरे को तो देख दे मेरे को देख दे ये क्या पागलपन है तुम अपने होश में हो या नहीं। रानी मुझे समझने की कोशिश करो। अब समझाने को और दिखाने को रह क्या गया है ये उठपटांग कपड़े ये मवाले जैसी हरकत। लेकिन ये मेरा आइडिया नहीं था। तो फिर किसका आइडिया था। उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। उसने किसने। हेलो ब्रदर इसने इस बंदर ने हाँ। विशाल मुझे लगता है कि तुम्हें आराम के साथ साथ इलाज की भी सख्त जरूरत है। She's तो right. मुझे तभी मिलने की कोशिश करना जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। ओके ना बाय बाय और नेक्स्ट टाइम अपने पूरे कपड़े पहन कर आना। एसी मेरी बात मान अगली बार तो इसको बर्थडे सूट में ले जा। मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। मुख्तार अपने डीलर्स को फोन कर दो कि जितना भी माल उनके पास है आधे भाव में निकाल दो। लेकिन सर इससे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुख्तार समझने की कोशिश करो। वो क्या नाम उसका वो हीरो हाँ उसकी मौत और इंस्पेक्टर विशाल के जख्मी होने के बाद यहाँ की पुलिस कुछ चौकन्नी हो गई है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाऊं। विदेश जाएगा। ऑफिसर विशाल तुम्हारे पास खन्ना के खिलाफ सबूत क्या है। तुम्हारे इन्फॉर्मर्स कौन है। सॉरी मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हेलो ब्रदर क्या है। हेलो ब्रदर पदोड़ा क्या बोला। अरे पदोड़ा बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। समझाया कि नहीं उसको। समझाया वो पूछता ये सारी इन्फॉर्मेशन तुझे मिली कहाँ से। सच सच बोल रहा था। क्या बोलता हा? क्या बोलता ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक भूत ने दी है। ए, भूत नहीं के मैं भूत नहीं हुआ। भूत डराना होता है। अमन आत्मा अपनी आत्मा जब तू मरेगा तू भूत बनेगा। देख तू क्या तुझे देना देना दे 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 देना देना दे। चुप बस कर अभी। एक खड़ूस आगे देख तेरा चमचा त्रेणी चाय लेके आया है। अभी आपका पागलपन का दौरा खत्म हो जाए तो मैं चाय पेश करूँ ना। ले क्या ए, इसको बोल के मेरे लिए भी एक चाय लेके आए। इसके लिए भी कब लेके आ। अरे किसके लिए। ये कुर्सी के लिए कबाट के लिए गोले के लिए किसके लिए बाबा। ए, कौन है कौन इधर। अगर कोई है भी ना तो आधा आधा ले लेना। बाबा मैं तो पूरा निकला इधर से भरी जवानी में सटिया गया बाप। अरे खड़ूस इतने खड़ूस मूड में क्यों है यार। अरे थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। तेरी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अपनी भी जिंदगी कोई ठीक नहीं चल रही है। जिंदा मैं हूँ तू नहीं। जा मुर्दा कहीं का। आज का दिन ही खराब है। रानी भी मुझसे नाराज है। ओह तुझे पता है आज मेरा जन्मदिन है। आज तेरा जन्मदिन है। अरे आज तो मेरा मरण दिन है। ठीक एक महीने पहले मैं भी मरा था। तेरा जन्मदिन और मेरा मरण दिन मनाते हैं टुगेदर। चलो ब्रदर। हेलो ब्रदर।
इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना है, इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारे, हो यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो पहली बार एक भूत को इंसान से डरते हुए देखा है। ए, कान के नीचे बजाऊंगा, इस टेलीफोन की तरह बजता रहेगा, फोन उठा चल। हेलो, हाँ टेला बोल। हाँ कहाँ? ठीक है मैं आ रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या ब्रदर? अटेला, हाँ जी, इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। चले चले चले, घेर लो, घेर लो।
नाक का बाल तोड़। साहब जी इधर को माल लेके भाग रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जैक साहब माफ करो सर। लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, आज हमारे साहब जी ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो हमारे देश के कानून की आंखों में धूल झोंक कर ड्रग्स की सप्लाई करके इस देश को खोखला कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश की नई पीढ़ियों के अफसरों को हमारे साथ सबक लेना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चल के देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे साहब में इतना करंट है, इनको वारंट की भी जरूरत नहीं है। ये वो अफसर है जो जुर्म की बदबू हवा में सूंघ लेते हैं और वहां पहुंच कर मुजरिमों का नामो निशान मिटा देते हैं। साहब जी दिखाइए इन प्रेस वालों को और खोलिए डिब्बा, और आप बताइए आपने कितने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, खोलिए। सर हम सभी ये जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स में ऐसी कौन सी खास बात है। एक मिनट मैं खोलता हूँ। सर अगर इसमें ड्रग्स है तो प्लीज हमें बताइए। सर हम इस ड्रग्स का रैकेट को एक्सपोज करना चाहते हैं। हम सारे देश को बताना चाहते हैं कि कुरियर कंपनी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है। बता दे कड़वे बता दे क्या है इसके अंदर। सुपर कॉप, सुपर कॉप। ये तो खिलौना है। सुपर कॉप। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक कड़वे देख इसकी मम्मी से क्या निकल रहा है। ड्रग्स। मुख्तार मेरा विदेश जाने का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले मां। रानी दो तीन दिन से तू बहुत परेशान लग रही है, तेरा काम तो ठीक चल रहा है ना बेटी? हाँ माँ। फिर क्या बात है? माँ आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा आदमी देखा है जो खुद बहुत सुलझा हुआ है लेकिन कभी कभी अजीब हरकतें करता है, दूसरों से ज्यादा अपने आप से बातें करता है? नहीं तो, लेकिन किसकी बात कर रही तू? माँ वो बेटी तू जाके दरवाजा खोल, मैं अभी आई। जी बहन जी आप परेशान मत होइए, हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। हाँ भाई साहब। लेकिन दरवाजे पे था कौन? पता नहीं, मैं तो अंदर किचन में थी। ये 100% खन्ना की चाल है। बता इस वक्त को कहाँ होगा? कौन कहाँ होगा? इस वक्त तो मैं आपके साथ हूँ, क्या हो गया आपको? समझने की कोशिश करा टेला, खन्ना ने रानी को उठा लिया है, सोच अब क्या करना है। क्या करना है? ये गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या करना है? इस केकड़े को धरना है। वन मैन आर्मी निंजा चाचा। कैसे खड़ा है वो? निंजा चाचा, निंजा चाचा, निंजा चाचा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उसने मेरे गोडाउन तक पहुंचकर मुझे बर्बाद किया। अब मैं ये देखना चाहता हूं जब मैं तुम्हें उससे दूर ले जाऊंगा वो तुझ तक कैसे पहुंचेगा। तुम उसे नहीं जानते, वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। ये अंदर बाहर कब से कर रहा है यार? मेरी एक गलती से रानी की जान जा सकती है, समझा? मुर्दा कहीं का तो क्या हम लोग दिन भर यहीं पे बैठे रहेंगे?
अरे मैं उनकी पोजीशन चेक करना चाहता हूँ। ऐसा बोलना फिर। क्या है? कुछ नहीं, आपको दौरे पे दौरा पड़ रहे हैं क्या? ऐसी हालत में आपका अंदर जाना ठीक है या नहीं, ये सोच रहा था मैं। ये साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। विशाल करवे, अब तुझे इसकी जान की कोई परवाह नहीं है। जा 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 जा। नहीं चाचा आसान छोड़ो, कुछ करो। ए तुम ऐसा कुछ करो, इनको टाइम लगता है। करते हैं क्या? मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ, बेटे जैसा नहीं हूँ मैं आपका। लास्ट टाइम भी आटे को लेके आप मेरे को परेशान किए, क्या मैं बेटे जैसा नहीं हूँ क्या? क्या मैं आऊँ? बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिफेंस बहुत वीक। अब मुझे देख, मेरा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों एक हो जाए तो हम सबकी पुंगी बजा सकते हैं। वो कैसे? दिखाऊं? निकालिए पिस्तौल, उड़ाइए इन सबको। हाथ ऊपर बॉयज, अब तुम लोगों की आखिरी घड़ी आ चुकी है। हाथ नीचे। माफ करना बॉयज, वो क्या है मैं घर पे भूल गया हूँ बाथरूम में पिस्तौल, तो आप लोग जाइए और हमें भी जाने दीजिए। अकेला ये बहुत खतरनाक है मुझे। साहब जी आप इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अभी ये लोग गड़गड़ाएंगे। अरे आपके पास पिस्तौल क्या? तोप है आप तोप। हीरो विशाल, हट जाओ।
देखो तू ऊपर बताऊंगा। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। बेटी ठीक तो हो? इस साल को भी अभी आना था। इसे इस दुनिया से उठाने के लिए मार, इधर मार, इधर इधर इधर। सोच क्या रहा है? हाँ, चला गोली, मार इसको, खत्म कर दे, उठा दे इसे इस दुनिया से। अरे भूल गया, इसने तुझे यहां मारा था और मेरी जिंदगी ली थी इसने। मार, मुझे इसकी मौत चाहिए। इसे सजा कानून देगा। अरे तेरा कानून उस वक्त कहां गया था जब इसने मुझे मारा था? कहां गया था तेरा कानून? मुझे इसकी मौत चाहिए। मार, समझने की कोशिश कर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं कानून नहीं तोड़ सकता। ये किससे बात कर रहा है? तू कानून नहीं तोड़ सकता, लेकिन तू इस कमीने के लिए मेरी दोस्ती तोड़ सकता है। मेरी दोस्ती तोड़ सकता है तू इस कमीने के लिए। मार इसको, मार इसको, मार इसको तू। ये पागल तो नहीं हो गया? हीरो, तू समझने की कोशिश कर, मैं इसे नहीं मार सकता। हीरो, मैं नहीं मार सकता। जब तक तू इसको नहीं मारेगा, ये नहीं मारेगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या? कि तू मुझे छोड़ के चला जाए। यही तो मैं नहीं चाहता। इमोशन, हाउ स्वीट, आई एम सो टच्ड। लेकिन इसको कड़वे, तू फिक्र मत कर, तू 62 साल और जिएगा, जाने का तो मेरा वक्त आ गया। कड़वे, कड़वे, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा मेरे यार। विशाल, विशाल तुम ठीक हो ना? विशाल, विशाल तुम ठीक हो ना? लेकिन मेरे जाने से पहले तू मेरा एक काम करेगा? हाँ। तू रानी से कहेगा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। रानी, हीरो तुमसे बहुत प्यार करता है। हीरो? तुम हीरो को कैसे जानते हो? आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ हीरो की वजह से। मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो हीरो का है। क्या? रानी, मैं कभी भी अपने आप से बात नहीं किया करता था, बल्कि हीरो से बात किया करता था। सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूं और सुन सकता हूं। वो इस वक्त कहां है विशाल? बिल्कुल।
बिल्कुल तुम्हारे सामने। क्या वो मुझे देख सकता है? हाँ। मुझे सुन सकता है? हाँ, वो हम सबको देख सकता है और सुन सकता है। हीरो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। विशाल मेरा प्यार है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे दिल की वजह से विशाल में मैं हमेशा एक सच्चा दोस्त पाऊंगी। कड़वे, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ गया है। मैं जा रहा हूं, किंतु रानी का बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि अगर तू नहीं रखेगा तो फिर मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। रानी, मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। वो कौन? हीरो। विशाल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जहां मुझे लाए हो उसका भी यहां आना मुश्किल होगा। अब चलो अंदर। चुका है, पहले ही वक्त से पहले ऊपर बुला लिया, अब चैन की मौत तो जीने दो। अरे गुस्सा मत हो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो कौन? वो जिनका तुमने दिल जीत लिया है। कौन? परियां। हाँ, परियां। परियां। अरे गुड बॉय।